हाय फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड एम जी। कैसे हो आप सब लोग? आई थिंक सब बढ़िया हो और बढ़िया रहना। आज की वीडियो में हम देखेंगे दुनिया के सबसे पांच खतरनाक डॉग्स, जो कि वैसे तो इंसान का सबसे वफादार साथी कुत्ता है, जो अपनी मालिक के लिए जान देने और जान लेने भी तैयार होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी है जिनको अगर अच्छे से ट्रेन ना किया गया तो आपके लिए घातक भी साबित हो सकते हैं। लोग आज भी अपनी घर की सुरक्षा के लिए कुत्तों को रखते हैं, घर की सुरक्षा। कुछ लोग तो खुद की सुरक्षा के लिए भी रखते हैं, जो शेर से भी ज्यादा खतरनाक और भेड़िए से भी ज्यादा फुर्तीले होते हैं। कई बार ये इंसानों के लिए डेंजरस हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में ऐसे ही पांच सबसे डेंजरस डॉग्स के बारे में। डोगो अर्जेंटिनो। अर्जेंटीना में पाई जाने वाली ये प्रजाति है। यह अपनी बहादुरी और ताकत के लिए जानी जाती है। शिकारी शिकार करते समय इसे अपने साथ रखते हैं। ये बहुत वफादार होते हैं। नए लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं करते, इसलिए उनसे मिलाते समय बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। दूसरे कुत्तों के साथ तो काफ़ी अच्छे से रहते हैं, लेकिन अगर इनके साथ उनको फाइट कराई जाए तो ये बहुत डेंजरस हो जाते हैं। साल 2012 में इसने एक टीवी एंकर के चेहरे को काट लिया था। ऐसे एग्रेसिव नेचर की वजह से इसको कई सारे देशों ने बैन करके रखा है। तिबेटन मस्तीफ। ये बहुत ही प्राचीन प्रजाति है, जिसे हिमाचल प्रदेश के आदिवासी अपने काम में लेते थे। मतलब जब वो बाहर जाते थे तो अपने साथ रखते थे अपनी सुरक्षा के लिए। मतलब भेड़िए, तेंदुए, भालू, इन सबसे सुरक्षा के लिए ये टिबेटन मस्तीफ को अपने साथ रखते थे। इस प्रजाति के कुत्तों को इस ब्रीड के कुत्ते अपनी जान दांव पे लगाने हमेशा तैयार रहते हैं। इसे बिना ट्रेनिंग के आप अपने साथ नहीं रख सकते। अगर ऐसे किया तो ये आपके लिए बहुत ही घातक साबित हो सकता है। इनको बहुत अच्छी ट्रेनिंग देनी पड़ती है, तभी आप इनको अपने साथ रख सकते हो। डोबरमैन। ये काफ़ी इंटेलिजेंट डॉग है, जिसे लोग अपने घर की सुरक्षा और कई कुछ लोग तो अपनी खुद की सुरक्षा के लिए भी रखते हैं। ये ब्रीड बहुत जल्दी ट्रेन हो जाती है, लेकिन इनको अगर अच्छे से ट्रेन नहीं किया तो ये बहुत घातक साबित हो सकते हैं। 2019 में इस टेकी प्रजाति के एक कुत्ते ने 66 साल की बुढ़िया को जान से मार दिया था। इसके डेंजरस स्वभाव की वजह से इसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड और भी बहुत सारे देशों ने बैन करके रखा है। इसे सिर्फ स्पेशल परमिशन के बाद ही आप अपने साथ रख सकते हो। प्रेसा कैनारियो। ये एक लार्ज डॉग ब्रीड है। दूसरों जानवरों पर ये तुरंत हमला करती है। इसी कारण कई किसानों ने अपने पालतू जानवरों पर हमला करने की शिकायत दर्ज की। मालिक के लिए ये बहुत ज़्यादा वफादार होते हैं, लेकिन दूसरों के लिए इनका व्यवहार बहुत आक्रामक हो जाता है। इसको ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में बैन करके रखा है, इस ब्रीड के कुत्तों को। पिटबुल। कुछ लोगों का मानना है कि ये दुनिया का सबसे खतरनाक कुत्ता है, जिसे लोग फाइटिंग के काम के लिए यूज़ किया करते। मतलब इनको पालते, बड़ा करते और क्या करते, इनकी दूसरों कुत्तों के साथ फाइट करवाते और उन पे पैसा लगाते। ऐसे पैसे कमाने के लिए भी इसका यूज़ किया करते। सबसे ज़्यादा डॉग हमला करने वाली प्रजाति यही है, और इंसानों पर भी सबसे ज़्यादा डॉग हमले इसी प्रजाति ने किए हुए हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सको। चल, अलविदा लेते हैं, हम चलते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।